वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रणजीत निगारा वर्ष द रणजीत निगारा। रणजीत निगारा इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंटिका सिटी कैलिफोर्निया स्टेट USA जी। हाँ साढ़े सिंह साहिबान ने जो बेड़ा चुकया है कि 75 साल तो जोड़े विछड़े गुरुधाम ने जगत संगत को उन्हों की सेवा संभाल की गल की है कि उन्हों की सेवा संभाल जी है पाकिस्तान के शुरू हो चुकी है। और साढ़े हैड जड़े ने सतप्रीत सिंह जी ने जो कि कह लो ती कि चौहा बाबा गुरु नानक साहिब और गुरद्वारा भाई करम सिंह शहीद जेलम ढिला जोगियाँ और गुरद्वारा कह सकते हो ती कि माता जन्म स्थान माता कौर साहिब ये चार जगह जड़ियाँ ने उन्होंने उत्ते अपना रीस्टोरेशन का काम जड़ा वो किसी ना किसी हद में कह लो तुसी बायपास जड़ा वो चल रहा है। सो अज आप पहुंचे हैं गुरुद्वारा भाई करम सिंह और इतने तुहानू अपडेट दिंदे हां कि असीं तुहानू लास्ट टाइम दस्या सी कि गुरु घर दे विच सेवा शुरू हो चुकी है सैंपल लगनगे किहड़े किहड़े सैंपल लग चुके ने और किन्नी किन्नी सेवा जिहड़ी है किस तरीके नाल कीती जाएगी। साढ़े आर्किटेक्ट साहबान और सिविल इंजीनियर साहबान जिहड़े ने इत्थे मौजूद ने और उन्हां दी जेरे निगरानी एक्सपर्ट बंदियां दी जेरे निगरानी ये सारा काम जिहड़ा वो हो रहा है किदां चल रहा है। आओ चलदे हाँ और देख के तुहानू दसदे हाँ कि सानू अज नूं सिखण नूं की मिलेगा क्योंकि आपां तुहानू पता कि अपने चैनल दे राहीं तुहानू की करने आ पल पल असी सिखदे हाँ और सिखाने हाँ कि रीस्टोरेशन कार सेवा ढाटेरी करन दा नाम नहीं है बल्कि पुरानियां चीज़ां नूं फिर तो सेवा संभाल करके असल दिख च लैके आना ही जिहड़ा रीस्टोरेशन और कार सेवा है। सो जुड़े रहो और देखो असी तुहानू चल के अंदर ते दिखाउने आ। आर्किटेक्ट साहब और नाल दी नाल साढ़े सिविल इंजीनियर जिहड़े ने वह खलोते हुए ने उन्होंने कार सेवा दे विच हले तक की कीता है साड़ी किन्ना क पार्ट जिहड़ा है वह लग चुक्या या लगना है और अगे उन्हां दा प्लैन की है कितना आपां रीस्टोर करांगे ऐसी जगह नूं जिहड़ी फ्लड ना खराब होई हुई है ऐसी जगह नूं जिहड़ी तीन पार्टां विच तकसीम हो चुकी है ऐसी बिल्डिंग जिन्हों के अर्थक्विक ने खराब किया फ्लड वाटर ने खराब किया उस चीज़ को रीस्टोर करन वास्ते काफ़ी टाइम चाहिए और खास करके कई बार तो मैं इदा लगता से कि सानू दोबारा तो ना बनाना पवे इस गुरु घर बट साड़ी वेरी यंग टीम है और उन्होंने कहा कि आप पूरी कोशिश करांगे कि 85-90% बिल्डिंग जिहड़ी है एज इट इज़ रीस्टोर हो जाए बट देखते हैं कि अगे की बनता चल रहे हैं गल करते हैं जी साढ़े नाल कौन ने आओ तो पहले तुम तारफ करवाने अस्सलाम वालेकुम जी 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 भाई सर जी मेरा नाम जी आर्किटेक्ट तला शाहिद है। अच्छा जी ते जे सानू यह मौका मिलिया सिख संगत का सेवा करन दा सानू अप्रोच किया गया रणजीत नगारा सानू अप्रोच किया गया रणजीत नगारा वालों सतप्रीत सिंह साहब ने ते सानू यह बड़े एजाज की गल है साढ़े वास्ते कि सानू सिख संगत की सेवा करन दा मौका दिता गया ते असी पूरे मन नाल पूरे दिल नाल इनू जड़ा है इसकी रिस्टोरेशन ते काम कर रहे हैं ते विद द गाइडेंस ऑफ सतप्रीत सिंह साहब ते लोकल हिस्टोरियंस लोकल तुहाडे वर्गे हिस्टोरियंस की मतलब हैल्प नाल ते साडे जिहड़ी टीम लगी है उन्होंने तजर्बे नाल असी इनू पूरा इंशाल्लाह रिस्टोर करन दी और जिस हालत च बनिया सी उस हालत च इनू रिस्टोर करन दी पूरी कोशिश करांगे। मैं तो कह रहा सी कि थोड़ा जा शायद मुश्किल होएगा क्योंकि दो तीन जगह तो गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बैठी है छत टुटी हुई है दीवारों च पाड़ पे हुए ने बहुत कुछ ऐसा होया हुआ कि जिन्हों देखने तो बाद नहीं लगता क्या ऐसा तरीका है कि आपां नूं रीस्टोर कर लवेंगे उन्हां चीज़ों जिहड़े मतलब कि मैं भी ड्रीम देखना क्योंकि मैं 10 साल तो लगा हुआ मेरे नाल मिर्जा साहब भी लगे हुए हैं कि 10 साल तो असीं हाईलाइट कर रहे हैं कि काश कोई इनू सेवा करके रीस्टोर करता क्या ऐसा कोई चीज़ हैगी है कि जिन्हों तुसी बड़े वसौक ना कह सकते हो कि आप कोशिश करांगे 85-90%। बिल्कुल सर बिल्कुल यह चीज़ मुमकिन है क्योंकि इंसान के हाथ से सब कुछ है जो इंसान पूरी नीयत नाल सच्ची नीयत नाल काम करे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। दुनिया चंद तक पहुँच गई है तो असी एक मस्जिद है एक मस्जिद है मंदिर है जड़े है मतलब गुरुद्वारा साहब है
कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होवे जदों उसे उस उन्हों पूरे दिल नाल तो कोई भी बिल्डिंग होवे ओल्ड एंशियंट बिल्डिंग साडे को है ने मतलब दुनिया च यूनेस्को काम कर रही है ते मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्हों चो रंजीत नगारा है और एक चीज़ मंगदी है कम एक चीज़ मंगता है नीयत साफ नीयत ते मेहनत ते ओ जे दोनों चीज़ें है होवन ते ओ गल पूरी बन जाती है जी वेरी गुड जी सल्यूट है थोड़े जोक नू थोड़े शौक नू थोड़ी गलबात तो बहुत वधिया लगे जी भाई साहब तुसी कुछ कहना चाहोगे अगे आ जाओ सलाम अलैकुम सत श्री अकाल सारे भरावां ते वीरां नू सारे भरावां ते वीरां नू सत श्री अकाल मैं मेरा नाम जुनेद तारड़ है ते मैं बाय प्रोफेसनल सिविल इंजीनियर हाँ ते मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ जनाब सतप्रीत सिंह साहब का कि उन्होंने सानू दावत दी कि असी इस गुरु घर की इस महान गुरु घर की सेवा करिए जिहड़ा कि साढ़े वास्ते मैं कहना कि किसी भी इबादत तो घट नहीं है गुरु जी ते तुसी किस तरह अपना योगदान पाओगे या सानू की सेवा तुहाडी होएगी एज ए ते जी मेरा जिहड़ा मकसद है बेसिकली जिस तरह के जनाब शाहिद साहब ने कहा कि स्ट्रक्चरली इस बिल्डिंग दे विच काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स ने ते मैं बीइंग अ सिविल इंजीनियर अपनी जिहड़ी मैं स्टडी की है उन्हें पूरी कोशिश करांगा कि मुख्तलिफ जिहड़ियां ओल्ड टैक्नीक्स ने वह इन्हां नूं इस चीज़ नूं इस बिल्डिंग जिस वक्त ये बनी उस वक्त जिहड़ियां टैक्नीक्स इस्तेमाल होंदियां ते उन्हां नूं इस्तेमाल करके जिहड़े दीवारां दे क्रैक्स वगैरह ने जिहड़ियां इहदियां जमीन बह गई है जिहड़ी कांग आई है सैलाब आया जिहदी वजह तो कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स इहदे विच जिहड़े आ गए ने मेरा मकसद ये होवेगा कि उन्हां स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स नूं मैं उसनों बिल्कुल उस हालत दे विच लै के आवां जिहड़ा कि उस दिहाड़े उस दिन होया सी जिस दिन इस चीज़ की नींह रखी गई सी बुनियाद रखी गई सी दैट्स वेरी ग्रेट जी तुहाडा मैसेज तो बहुत सोहना है और उम्मीद है कि आप अंदर चल के देखते हाँ कि छोटे वीर दोवें कह तो बहुत कुछ रहे ने लेकिन ये कित्थे तक कामयाब हुंदे ने या कर सकते ने आपां तुहानूं अपनी कैमरे की नज़र ना दिखाना और फैसला फिर तुसीं करना है कि क्या सेवा इस तरह ही होनी चाहिए है जिस तरह के पहले चल रही ने या उहदे विच कुछ बदलाव आना चाहिए कि तुहानूं वधिया लगा अपनी फीडबैक जरूर दिया करो चैनल दे उत्ते और तुसीं वीडियो देखते हो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा शुक्रिया बट थले फीडबैक जिहड़ी है बहुत थोड़ी हुंदी है जदों तुसीं फीडबैक दिंदे हो तो आपां अपने काम दे विच निखार उस वेले ही पैदा कर सकते हैं जिस वेले तुसी असी टीम नू भी इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हैं जे तुसी दसोगे आ चीज़ गलत है आ चीज़ ठीक है सो तुहानू जिथों लगे कि कोई चीज़ तुसी पुछना चाहते हो तुसी अपने कॉमेंट सैक्शन दे विच बिल्कुल एट द रेट ऑफ रणजीत निगारा नू मैनशन करके या हैशटैग ऑफ रणजीत निगारा नू मैनशन करके अपना कोई भी पॉइंट सवाल तो कोई भी अपना रेफरेंस है या तुहानू कोई भी तारीखी तत् हिस्टोरिकल फैक्ट तुहानू समझ नहीं आ रहा यू कैन आस्क डायरेक्टली इन अ कॉमेंट सैक्शन जी वीर जी चलिए फिर अंदर आओ जी चल रहे हाँ अंदर तो अज फिर तुहानू दिखाने हाँ कार सेवा का पहला पार्ट जिहड़ा शुरू हो चुका है साढ़े नाल साढ़े आर्कीटेक्ट साहब और सिविल इंजीनियर साढ़े नाल ने ते बहुत ही प्यारा तुसी देखो अद्भुत दृश्य जिहड़ा तुहाडे सामने आना शुरू हो गया आर्कीटेक्चर दे विच नफासत आना शुरू हो गई हले सैंपलिंग हुई है एक पीस लगा है सैंपल का तो देखो किन्ना प्यारा लग रहा और किन्ना सोहना लग रहा आपां गल करते हैं अपने आर्कीटेक्ट साहब जिहड़े तलहा शाहिद साहब ने वो डिटेल दसणगे कि आपां लान का की मकसद है यह पहला स्टैप जिहड़ा लगा है ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਕਾ ਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਕਰ ਲਾਈਮ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਚਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਰਕ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
सीधी जड़े तुसी देख सकते हो, डिटेल जड़ी है उत्ते तुसी देख सकते हो, बॉर्डर जड़ा चल रहा है, आर्च चल रही है, ये फीचर्स जड़े ने लकड़ का काम भी आ गया, चौखाट आ जाती है, इनू चौखाट दू साफ करने का तरीका सी कि ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਫਾਸਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਾਠ ਨਵੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੁਗਾਠ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰ ਮੀਂਹ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੱਬੜ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਧੱਬੜ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੱਬੜ ਧੱਬੜ ਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਕੈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡਸ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਲਾਏ, ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਜੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ, ਬੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਕਾਰਵਿੰਗਸ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੀ ਲੱਕੜ 'ਚ ਦਿਆਰ 'ਚ ਉਹ ਪੀਸ ਨਵੇਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਟਿਕ ਵੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਟਿਕ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹ ਪੀਸ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਗੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਉਹ ਰਗੜਾਈ ਪੇਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਗ ਮਾਰ ਫੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਛ ਰੈਜੀਡਿਊ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਪੇਂਟ ਰਿਮੂਵਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਰਿਮੂਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ੀਓ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਟੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਕਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।